को देखा ना, तराशू की पुत्री पढ़नी तुमरू पे कैसा मोहित हुआ। तो तुमको क्या स्वामी, हम तराशू के पाहुने हैं ना, उसके मन में हमारी सद्भावना है, हमारा मन में भी उसका उपकार होना ना। तो तुम ही बताओ ना, हम कैसा उसका उपकार का उत्तर दे सकेगा। तुम्हारे कारण हो रहा है तुम्हरू। मेरे कारण? हाँ, यहाँ आने का ललक तुम ही ने जगाई, हमारे साथ यहाँ आने का इच्छा भी तुम्हारी, आदिवासी बनने का चाव भी तुम्हारा। अब जब आदिवासी बनना तो रीति नीति तो निभाना होगा ना तुम्हरू। अर्जुन भैया खाने खाओ जी। अर्जुन भैया हमको कुछ कहने को होता जी। तो कहो। तनिक संकोच होता जी। ओहो, संकोच छोड़ो और कहो। आप भी देखता, मैं भी देखता, आप भी समझता और मैं भी समझता। क्या? यही कि हमारा पुत्री पल्ली आपका सेवक तुमरू पर मोहित हो गया जी। किंतु तराशु भैया, आप बताया कि सोमवार के दिन पन्नी के विवाह होना, ऐसे में उसका तुमरू पर मोहित होना क्या मर्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा समाज में पुत्री का सुकम पर विचार पहले करने का होता। पुत्री चाहे पहले से निश्चित वर का परित्याग कर नया वर चुनने को सकता। हाँ। आ तराशू भैया, हम तुमरू को पलनी से विवाह करने को मनाएगा। मेरी पुत्री का सुख के लिए ऐसा करना मेरे ऊपर उपकार करना जी है। अर्जुन भैया, विवाह का चर्चा तो होता रहेगा, आप फल खाइए ना जी। कब भी कह गया तुमरू, अभी तक लौट कर आने को नहीं होना। बोला भी नहीं कि घर में जाता और कभी मैं आएगा। अर्जुन भैया, तुमरू अभी तक आए नहीं। हमको भी यही चिंता, किधर में गया वो। बोला तो होएगा कि कहाँ को जाता, बोल कर जाता तो बुलाकर नहीं लाता हम उसको। पहली भी क्या कभी ऐसा किया है, घूमने फिरने का स्वभाव है उसका। उसके पाँव में चक्कर भी होता। उसको तीनों लोका में घूमने को होना। तीनों लोका में उसको एक राम एक लोक जैसा लगता। अयो, ये तो कष्ट वाला सूचना होता। वो इधर का वन प्रदेश के विषय में नहीं जानता, कोई वन पशु उस पर आया तो प्राण संकट में होना। हाँ तंबुरु, पशुओं से बचकर निकलने का जानता भी नहीं। पशुओं से बचकर निकल को नहीं जानता, ये तो और भी चिंता का बात। अभी क्या होना,
चिंता तो हमको भी होता। आपका चिंता से मेरा चिंता बढ़ा। आपका तो वो केला सेवक, परंतु मेरा तो होने वाला जमाता है ना, उसको ऐसा नहीं जाने को होना था, कुछ सोचने को होना था। यदि उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होएगा, क्या होएगा हमारा? उसको खोजने का तो किधर में खोजेगा? इतने बड़े वन में पशु पक्षियों के बीच किधर खोजेगा जी? फिर भी मैं देखने को जाता। हाँ, स्वामी, तुम्बरू ने यहाँ क्या विपदा खड़ी कर दी? तुम्बरू को एक स्थान में अधिक समय तक टिकने को नहीं होना। उसको समाचार इधर उधर देने को, समाचार लेने को भी होना। वही करने गया होगा। अर्जुन भाई, अरे मुझे ये क्या? माता, माता, यही प्रश्न तो मेरा भी है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे ये कौन से झंझट में डाल दिया। माता, अर्जुन भाई, अब अधिक समय मैं सॉन्ग में नहीं रह सकता। कृपया कर आप मुझे आज्ञा दें, ये सॉन्ग मैं यही समाप्त कर देना चाहता हूँ। झंझट में तो तुम फंसी गया तुम्बरू। इसको यही समाप्त करके तुम उस अबोध कन्या पल्लनी पर अन्याय क्यों करेगा? क्या तुम प्रेम सरिता के मझधार में उसका त्याग करने को सोचता? अय्या स्वान, कैसा त्यागम और कैसा प्रेम, कैसा न्यायम और कौन सा सरिता अर्जुन जी? ये सब आपका लीला है जिसके भंवर में मैं फंस गया, अब डूबने वाला है। अर्जुन जी, ये लीला समेटो अर्जुन जी, मेरे को भंवर से ऐसा बाहर निकालो अर्जुन जी। फिर तुम कैसा क्या करेगा तुम्बरू? अर्जुन जी, आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से पलायन करना। अब अधिक समय मेरा यहाँ रहना उचित नहीं अर्जुन जी, मेरे और पलायन के हित में नहीं। मेरी उपस्थिति यहाँ को संकट को जन्म देगी, अब मैं जाता। सुनते तुम्बरू हमको यहाँ तक लाकर पलायन करने को बोलता, क्या इसको जाने को देना? तुम्बरू के होने से विनोद से वातावरण मन भावन होता, इसीलिए तुम्बरू चिंता छोड़कर यही ठहर जाना। नहीं माता, मैं ठहरता, पर वो पलाने को मैं डरता। अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं, मैं जाता। माता, मुझे आज्ञा दो। मुरुगन स्वामी की जय। क्या तुम्बरू यहाँ आया होता? मैं उसका आवाज सुना। हाँ, आया होता, अब चला गया। और लौट कर कभी नहीं आने को होना। क्यों, क्यों नहीं आने को होना? पल्लनी, एक भूल हो गया। आई, कौन से हुई गया भूल? आधा हमसे होता, आधा तुम्हारे पिता तरासू से होता। आई, पर मुझसे तो कोई भूल नहीं होया ना, फिर भी मेरे को परिणाम भोगने को होना, वो भूल का जो मैं किया भी नहीं। ऐसा नहीं होने को होना पल्लनी, विधि के विधान में कहीं भी दोष नहीं होता रे। पर मेरा भी क्या दोष होना, कौन बताएगा मेरा दोष? इतना ही कि तुम तरासू की पुत्री होती, जो कि शीघ्रता में बिना विचार किए परंपराओं को तोड़ता और निर्णय लेता। और हमारा दोष ये है कि तुम्हारे पिता की शीघ्रता के सामने हम प्रकट नहीं किया कि तुम्बरू विवाहित होता और बच्चों का पिता होता। ए पल्लनी, तुम्बरू बाल बच्चों वाला होना। स्वामी, तुम्बरू के लिए हमको असत्य भाषण करना, क्या ये कर्म हमारे लिए उचित होता? पल्लनी का भ्रम और मोह तोड़ने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता मल्लिका। वैसे भी भील भीलनी का भेष धारण करके नाटक तो हम करता, ये नाटक तुम्बरू और पल्लनी के लिए
करना ना। अरे स्वामी, नाटक तो हम तुम्बरू और पलनी के हित में किया। और हित में बोला गया असत्य असत्य नहीं होता, वो किसी भी सत्य से बड़ा सत्य सिद्ध होता है। हित, चिंतन और लोक कल्याणकारी भावना ऐसे असत्य की कालिमा को मिटा देता। इसके विपरीत कटु सत्य, जो किसी के मन को पीड़ा पहुंचाए, किसी भी असत्य से अधिक दोषपूर्ण होता। जी ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय। देवऋषि नारद प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। क्षमा याचना मुझसे? मेरे सम्मुख आपका ये क्षमा याचक का रूप शोभा नहीं पाएगा देवऋषि। हाँ, आपके सम्मुख मैं क्षमा याचना का अधिकारी अवश्य हो सकता हूँ। उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी कुमार कार्तिकेय। सत्य यह है कि आप माता पिता के दर्शन के लिए अति उत्सुक हैं, और ये बात भगवान भोलेनाथ से छिपी नहीं रह सकती थी। मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचाता उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश से प्रस्थान कर चुके थे। अच्छा, वे यहाँ आए हैं? हाँ, आए तो हैं, किंतु एक बाधा उपस्थित हो गई है। माता पिता को पुत्र से मिलने में क्या बाधा हो सकती है देवऋषि? मैं आपके और उनके मिलन का श्रेय स्वयं प्राप्त करना चाहता था, इसी इच्छा ने बाधा उपस्थित की और विलंब भी किया। इसी कारणवश मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता था। क्षमा और याचना दोनों को भूलकर ये बताए देवऋषि, इस समय वे हैं कहाँ? आपकी उत्सुकता और प्रश्न का समाधान करने में भी मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उत्सुकता समाप्त नहीं कर सकता। परंतु आप निश्चिंत रहे कुमार कार्तिकेय, वे आपके समीप ही हैं। निकट भविष्य में आपकी उनसे भेंट भी होगी। अब मुझे आज्ञा दी। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी लीला है, समीप होकर भी सम्मुख नहीं है। भी आपकी उत्सुकता समाप्त करना नहीं चाहता। अब तो जब तक आप स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपने धैर्य को धारण करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्बरू के जाने से पल्ली रोता, उसको बहुत दुख होता। देखते ही मोहित होना ठीक नहीं, रोना ही होना। पापा। चुप बेटा, चुप बेटा, चुप पुत्री, चुप। रोना नहीं, रोने का नहीं। मैं सब सुना और देखा पुत्री, सब सुना। ये सत्य है कि पिता की भूल का भुगतान संतान को करना होता। मैं शिखर दा में निर्णय लिया, अर्जुन के प्रति अन्याय किया, उसका दंड मेरे को मिला। तू अर्जुन को बुलाया ना, उसका दंड तेरे को मिला। तुम्बरू के अचानक अदृश्य होने से मेरा मन शंकित हो गया होता, इसलिए
मैंने फिर से अर्चन के पास जाकर उसे मना लिया हूं। जा बेटा जा। मुर्गुन स्वामी ने हमारा लाज रखा। जा तू तैयारी कर, मैं आता। जा जा। अर्जुना भैया विदादा जो करता अच्छा करता, पल्ली के बाग में अर्जन ही होना। आप मेरा पौने हो इसलिए मेरा पूज्य हो। हमारा एक आपसे प्रार्थना है जी। कैसा प्रार्थना? आपको हमारा भील समाज का रीति नीति का तो मालूम होना ना। हमारे ग्राम का भील समाज के रीति नीति से हम परिचित, तुम्हारे यहाँ क्या उससे कुछ हटकर होना? नहीं नहीं, कोई विशेष अंतर नहीं। हमारा इधर विवाह वाला घर में आए पवनों को भी वर वधु के साथ पुनः विवाह करने का होता। इसलिए मैं आप दोनों को इस विवाह पर वर वधु के रूप में सम्मिलित होने का निमंत्रण देता। तरासु भैया, आपके मन का उदारता देखकर हमारा मन प्रसन्न होता। तुमरू के चले जाने, पलनी के दुखी होने के बाद भी आप क्रोध नहीं किया और सब कुछ संभाल लिया। हमारे लिए भी मन में कटुता नहीं लाए। अर्जुन भैया, मन में कटुता लाने से अपना ही तन और मन कटता, और फिर क्रोध से कब किसने स्थिति को संभाला? मैं तो युवा पुत्री का पिता, क्रोध करता तो स्थिति कैसे संभलने को होता? सत्य बोलता तरासु भैया, हम अवश्य वरवधु बनकर पलनी और अर्चन के विवाह में सम्मिलित होगा। आप हम पर कृपा करेगा जी है, कृपा करेगा जी हम पर। समाज का मुर्गन सुब्रमण्यम स्वामी है। चलो आगे बढ़ो। जय मुर्गन स्वामी की। जय
भक्तजनों, इस समय मुरुगन स्वामी चयन पर्वत पर शिवलिंग के सम्मुख शिव आराधना में लीन है। मुनिवर, हम मुरुगन स्वामी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने को आए। हम सब साथ चलकर शैल पर्वत पर उनके तथा शिव पार्वती के दर्शन करेंगे। चलो। मुरुगन स्वामी की जय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। चलो। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मां कार्तिकेय की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मां कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, लगता कार्तिकेय को हमारे आने का आभास हो गया जी। इस लीला को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने को होना, थोड़े समय में सब ज्ञात हो जाएगा देवी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम कार्तिकेय की जय। ओम मुरुगन स्वामी की जय। ओम कार्तिकेय की जय। ओम मुरुगन स्वामी की जय। श्री, मैं आप दोनों के दर्शन के लिए कितना विकल था, पर आपको मुझे दर्शन देने के लिए लीला करनी पड़ी। भगवान शिव शंकर की जय। माता पार्वती की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। इन भोले आदिवासियों के साथ रहकर ही तुम्हारी धर्म भावना और लोकहित भावना मुखर हुई, इसी से तुम्हारी महानता का परिचय मिलता है। कार्तिकेय, अब तुम हमारे साथ कैलाश चलो, तुम्हारे बिना वहाँ शून्य सा लगता है। ये कैसे संभव होगा माता? इसमें असंभव क्या है? मैं इन श्रद्धालुओं का साथ त्याग कर कैलाश कैसे आ सकता हूँ माँ? इन्हीं के सहयोग से तो मैं
दक्षिण में धर्म और भक्ति का प्रकाश प्रसारित करने में समर्थ हो सका हूं। मेरा मन तो कहता है कि आपसे प्रार्थना करूं कि आप सदा सदा के लिए यहां विराजें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें माता। तुम्हारा अनुरोध हम अस्वीकार नहीं कर सकते पुत्र कार्तिकेय। आओ। हमारी ज्योति सदा इस ज्योतिर्लिंग में विराजित रहेगी तथा हमारे भील स्वरूप की ज्योति जगाए रखने के लिए ये श्री शैल पर्वत स्थित ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और पुत्र, हर पूर्णिमा को मैं यहाँ आया करूंगी और हर अमावस्या को मैं भी यहाँ उपस्थित रहा करूंगा ताकि हम दोनों यहाँ के भील समाज के प्रति अपनी अटूट एकता व्यक्त कर सकें। ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन की जय। भगवान महादेव शंकर और माता पार्वती की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। अर्जुन ज्योतिर्लिंग में गौरी शंकर का है निवास, इनका ध्यान लगाने से ही भ्रम बन जाता है विश्वास। मल्लिका अर्थ है पार्वती जी, शिव का वाचक शब्द है अर्जुन, दोनों के एक हो जाने से बना ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे है न्यारी, इनका ध्यान लगाने से ही पुलकित होते नर नारी, पूजन इनका करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाए, तन के कष्ट सभी मिट जाते, मन को शक्ति मिल जाए। मल्लिकार्जुन की जय हो, मल्लिकार्जुन की जय हो, मल्लिकार्जुन।